ये डिवाइस जगाएगा भाई, ड्राइवर ड्रोजीनेस सिस्टम लगा हुआ इसके अंदर, आपके बिजनेस में ये पूरे योद्धा का काम करेगा। तो भाई टाटा के मोस्ट सेलिंग ट्रक के बारे में तो बता दे, अब मोस्ट स्टाइलिश ट्रक के बारे में बताता हूँ। और भाई जैसे आप ट्रक में आओगे तो भाई आपको फील ही नहीं होगी कि आप ट्रक में हैं। वेलकम बैक टू चैनल, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे और फुल में सभी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई हम हैं जमशेदपुर टाटा सिटी में, पहले हम रांची आए, रांची से हम बाय एयर आए थे एंड रांची से फिर हमने टैक्सी ली एंड फिर वहां से हम पहुंचे जमशेदपुर। सुबह के बज चुके हैं 8, हम हो चुके हैं रेडी, अब आपको लेके चलते हैं वहां पे जिस काम के लिए आज हम यहां आए। तो भाई ब्रेकफास्ट अपना हो गया है कंप्लीट एंड भाई बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था, टाटा मोटर्स में बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट कर रहा था। और अब मैं आपको बताऊँ की हम कहाँ हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हो इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट मीट है भाई आज यहाँ पे, जो टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स है ना, BS 6.2 कंप्लायंट हो चुके हैं भाई। जैसे जैसे भाई टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज होती जाती है, डे बाय डे भाई टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आया रहता है। तो टाटा मोटर्स ने भाई अपने सारे कमर्शियल व्हीकल्स को BS 6.2 फेज 2 रेडी कर लिया है भाई ऑलरेडी। एंड क्या उन चीज़ों से गाड़ी की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी माइलेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ओवरऑल मेंटेनेंस क्या रहेगी, तो ये ढेर सारे जो सवाल आपके मन में है इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। उसी के लिए हम भाई आज हम ढेर सारी जानकारी जुटाएंगे और वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और भाई मैं यहाँ पे अकेला क्रिएटर नहीं हूँ भाई, बहुत सारे क्रिएटर्स भाई यहाँ पे आए हैं। भाई आया हुआ है अपना नागपुर से, पर मेरे लिए ऑरेंज की बर्फी नहीं लेके आया है। जहाँ जाके हम आपको पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। और ये जरूरी नहीं है भाई कि आप एक ट्रक ड्राइवर हैं या आप अपना ट्रांसपोर्ट चलाते हैं या चलाने वाले हैं, भाई सबके लिए जानकारी जरूरी है। सबको देखो, जो कार एंथुजियास्ट हैं तो उनको तो भाई लगेगा लगेगा कि हाँ भाई विक्रम भाई ये भी नॉलेज बहुत बढ़िया है। देखो जानकारी कहीं से भी मिले जरूर लेनी चाहिए। अरे वो सबसे सफेद जिसमें खिड़की है, खिड़की तो सब में है वो। अरे है ना यार वो, कौन सा वो यार, यहाँ पे पकड़े बंद है फिर कौन सा। टाटा ट्रक्स लाए हैं कोलिशन मिटिगेशन सिस्टम, ध्यान भटकने और ट्रक के सामने किसी के भी ज्यादा पास आने पर ट्रक की एडवांस टेक्नोलॉजी नियंत्रण लेकर एक्सीडेंट होने से बचाती है, ताकि आप और आपका ट्रक दोनों सेफ रहे। अब सेफ्टी होगी और भी ज्यादा, टाटा ट्रक्स देश के ट्रक्स। तो भाई टाटा का इवेंट तो भाई यहाँ का तो कम्प्लीट हो गया है अपना, एंड भाई अपने को एक मिली है छोटा सा गुड़ी बैग मिला है, इसके अंदर क्या है वो जाके अनबॉक्सिंग करेंगे। फिलहाल तो हम जा रहे हैं सुमोन मुलगांवकर के स्टेडियम में, नाम पे भाई ये गाड़ी थी टाटा सुमो, उन्हीं के नाम पे थी भाई ये गाड़ी। तो अभी वहाँ जाएंगे एंड वहाँ पे जो ट्रक्स बसेस जितनी है ना उन सबको बाहर चल के एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। तो जी पहुंच गए हम सुमन मुलगांवकर स्टेडियम एंड यहाँ पे मिलेंगे भाई अपने को टाटा के सारे नए प्रोडक्ट्स जो हैं BS 6.2 कम्प्लाइंट। तो जी पहुंच गए भाई हम सुमन मुलगांवकर स्टेडियम में, भाई भाई लाइनअप देखो टाटा के सारे ट्रक्स का, मतलब छोटे से लेके बड़ा तक और ट्रक से लेके बस तक भाई सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है ना जो टाटा का ट्रक वो है भाई टाटा सिग्ना, भाई ये सबसे ज्यादा सेल है भाई इस ट्रक की। चलो इसकी अनबॉक्सिंग भी कर देते हैं। तो भाई टाटा सिग्ना की भाई सबसे ज्यादा सेल है एंड भाई ये फुली अपडेटेड ट्रक है, BS 6.2 कंप्लायंट ट्रक है ये। एंड इसमें क्या क्या चेंजेस टाटा ने किए भाई वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब हम साइड में आएंगे ना यार, यहाँ की अनबॉक्सिंग नहीं करते, इसको ऐसे रहने देते हैं 5530.S। अब इसका मतलब बताता हूँ, 55 मतलब 55,000 किलो का ये टोटल वजन ले जा सकता है, इंक्लूडिंग जो आपका पीछे ट्रेलर लगेगा ना इसमें वो इंक्लूड है इसमें, ग्रॉस वेट जो कंप्लीट होता है वो। एंड देन 30 आपका 300 हॉर्स पावर ये इसका पावर है। एंड डॉट एस, एस स्टैंड फॉर जो पीछे ट्रेलर लगता है, ट्रेलर के लिए एस लगता है। जब हम डॉट के आ जाएगा यहाँ पे तो वो हो जाएगा टिपर के लिए, एंड डॉट टी जिसके ऊपर ट्रक की बॉडी बनती है वो टी आएगा। अब ट्रक की फ्रंट से शुरुआत करें तो भाई पहले जो ट्रक्स में नॉर्मल क्या होता था, यहाँ पे लाइट होती थी, तो भाई लाइट सब चली गई है भाई। आपके फ्रंट बम्पर के अंदर पूरा मेटल का सॉलिड बम्पर है भाई, आपको इसमें मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, यहाँ पे आपका इंडिकेटर मिलेगा, नीचे भी भाई आपको ये गार्ड दिया जाता है, ये भी सेफ्टी नॉर्म्स में आता है। कोई चीज ऐसी होती है ना कई बार टक्कर लग के नीचे घुस जाती है,
तो उस चीज से बचाने के लिए या पेडेस्ट्रियन वगैरह, मतलब इसके ना काफी रोल होते हैं, खाली एक चीज के लिए नहीं है ये नीचे वाला पार्ट। अब ट्रक की साइड प्रोफाइल पे आएंगे ना भाई, तो सबसे पहले भाई नजर मेरी कहाँ जाती है, मेरी तो टायर्स पे नजर आती है भाई। तो इसके अंदर भाई आपको टायर्स है जो मिलता है 295/90 R20 इंच का मिलता है। अलॉयज का ऑप्शन आपको नहीं मिलता भाई इसके अंदर, ठीक है। एंड भाई जो डोर हैंडल्स है वो अब चेंज कर दिए गए हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में कर दिया, काफी स्मूथ है, मतलब वाला नहीं है, हल्के जैसे आप गाड़ी का दरवाजा खोल रहे ना बिल्कुल वैसे ही। एंड जैसे आप दरवाजा खोलेंगे यहाँ पे भी आपको मतलब एक बढ़िया सा हार्ड प्लास्टिक वाली दे रखी चीज, ऐसा नहीं है वो चीप प्लास्टिक वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको ट्रक के अंदर। अब भाई चलते हैं ट्रक के अंदर, एक बार यहाँ से पकड़ा फिर यहाँ से पकड़ा, मैं तो इसी से पकड़ के चढ़ गया भाई एक तरफ। वाह ओ भाई इसके तो सीट में भी कुशनिंग दे रखी है, देख रहा क्या बात है, मजेदार भाई मजेदार। अब भाई ट्रक के अंदर आ गए तो ये है भाई इसका डैशबोर्ड। एंड भाई सबसे प्यारा तो मुझे इसका स्टीयरिंग लग रहा है भाई, जो मेरे पास हैरियर होती थी उससे प्यारा स्टीयरिंग व्हील लग रहा है भाई। एंड यहाँ पे आपको इसके कंट्रोल्स दे रखे हैं, ये म्यूजिक सिस्टम के ही कंट्रोल दे रखे हैं भाई। ऐसी इसकी दिखती है MID, यहाँ पे आपको इसका टैकोमीटर स्पीडोमीटर मिलेगा, टेम्परेचर का, फ्यूल का, एंड छोटी सी बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। एंड यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये आपका माइलेज वाले लाइट मीडियम हैवी, मतलब जैसी जैसी आपको माइलेज चाहिए वैसे वैसे आप स्विच कर सकते हो चेंज अपना। जैसे मान लो अगर आप लाइट लोड में चल रहे हो और रास्ता अच्छा है आपका तो आप लाइट पे कर सकते हो, लोड थोड़ा सा ज्यादा है तो आप मीडियम पे कर सकते हो, लोड भी ज्यादा है और रास्ता भी खराब है तो आप हैवी पे कर सकते हो। ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा है। एंड यहाँ पे आपके AC के कंट्रोल्स दिए हैं, ब्लोअर आपको पूरे डैशबोर्ड पे यहाँ दे रखे, गोल राउंड वाले मिलेंगे आपको इसमें। एंड यहाँ पे ऊपर ग्लव बॉक्स मिलेगा एक, यहाँ पे भी बीच में स्टोरेज स्पेस है, एक स्टोरेज स्पेस वहां पे भी है। और जैसे ट्रेडिशनल होता था ना कि यहाँ पे इतना बड़ा सा होता था इंजन के ऊपर कवर होता था, वो नहीं है भाई, बिल्कुल स्लीक है। एंड आप भाई पीछे आराम से देख सकते हो, दो भाई पीछे बैठे हैं, एक भाई इधर बैठा है, मतलब ऐसे लग रहा है हम एक दूसरे गांव में बैठे हैं भाई, इतना चौड़ा ट्रक है भाई, पूरा जबरदस्त है, फीलिंग बढ़ जाता है। मेरे को तो जो सीट है ना ये बहुत मजेदार लग रही है भाई, मतलब बंदे को उतना चलाने वाले को ना फटीक होगी ही नहीं, और अगर फटीक होगी और उसको आई नींद तो पता है उसको कौन जगाएगा, ये डिवाइस जगाएगा भाई, ड्राइवर ड्रोजीनेस सिस्टम लगा हुआ इसके अंदर। जैसे अगर ड्राइवर को नींद आती हुई लिखेगी तो यहाँ से ये डिटेक्ट करेगा और ड्राइवर को अलार्म करके जगा देगा, जगो भाई नींद आ रही है तो साइड में लगाओ एंड अपना आराम करो। एंड भाई बड़े से आपको ये वाइजर दिए गए हैं अगर आपको बाहर से धूप लगेगी, क्योंकि इसकी जो विंड स्क्रीन है वो काफी बड़ी है भाई, क्योंकि भाई मोस्टली ट्रक वाले भाई जो है वो भाई दिन रात लगातार ट्रक चलाते हैं, थक जाते हैं भाई, लेकिन सामान टाइम पे पहुंचाना होता है तो उस चक्कर में भाई आ जाती नींद का क्या पता है। और कहते हैं ना नींद में गाड़ी चलाना दारू पीने से गाड़ी चलाने से ज्यादा खतरनाक होता है, तो ये फीचर बहुत अच्छा है। प्लस आपको इसके अंदर फ्रंट कोलिजन मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, CMS बोलते हो आई थिंक, है ना, CMS बोलते हैं वो, मैं दूसरे ट्रक में है वो आता है, इस वेरिएंट में भी आता है ना वैसे, वो इस वेरिएंट में भी आता है लेकिन वो दूसरा जो ट्रक है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर। एंड भाई यहाँ पे इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा, दो आपके फास्ट चार्जिंग USB मिलेंगे, और जो आपका स्टीयरिंग है वो भाई आपका टिल्ट टेलीस्कोपिक रहता है इसमें स्टीयरिंग, है ना, ये भी बहुत अच्छी फीचर है भाई। एंड जब आपको नींद आए ड्राउजीनेस आपको डिटेक्ट करेगी तो आप अपनी गाड़ी में AC चला के मस्त पीछे सो सकते हैं, रिलैक्स। अगर थोड़े मान लो आधे घंटे का पावर नैप भी लेना कहीं पे ट्रक खड़ा करके तो बंदा इसमें आराम से ले सकता है। तो भाई साथ साथ ना अपने को भाई इसके अंदर ना ऑप्शन मिलता है दो फ्यूल टैंक का, 365 लीटर का एक मिलता है प्राइमरी फ्यूल टैंक मेरा, ओके, और सेकेंडरी फ्यूल टैंक मेरा उस साइड में, ओके, तो दूसरी साइड में भाई इसका जो, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 195। ओके तो भाई इसकी 195 की कैपेसिटी है, हाँ तो स्टेपनी वहाँ चली गई ना, पहले स्टेपनी यहाँ होती है भाई। अगर आप ये लेते हो दो फ्यूल टैंक का, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा लंबे रूट पे चलती है और आपको ये रहता है कि बार बार मुझे फ्यूल नहीं फिल कराना, तो भाई आप ये ऑक्सिलरी वाला ले सकते हो, ये बेटर ऑप्शन है, दोनों साइड फिल कर सकते हैं, सिंगल कनेक्शन, ठीक बात है भाई, दोनों साइड कनेक्शन है, बस अंदर भाई एक बटन दे रखा है उसको आप टैप करोगे तब वो जो स्पेयर वाला फ्यूल है उसको यूज करेगा। एंड भाई यहाँ पे आपको सस्पेंशन भी दे रखा है ताकि आपका जो राइड है वो पूरी कंफर्ट में, मतलब ड्राइवर के कंफर्ट का भाई बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया है। मतलब पहले क्या होता था, ड्राइवर्स को भाई बड़ा मतलब था कि हाँ भाई ट्रक दे दिया चलाओ भाई चलते रहो, अब वो चीज नहीं है भाई, अब बहुत कुछ चेंज हो गया। प्लस आपको यहाँ पीछे भी काफी बढ़िया सस्पेंशन मिलता है भाई ट्रक में। एंड भाई जो आपका DF टैंक की जो कैपेसिटी है वो है भाई 40 लीटर की। एंड भाई DF तो सबको पता है, जैसी आपकी गाड़ी माइलेज देगी वैसा ही आपका DF कंज्यूम होगा, जितना बेहतर आप माइलेज अपने ट्रक से निकालेंगे उतना ही ज्यादा आपका DF चलेगा। तो भाई टाटा के मोस्ट सेलिंग ट्रक के बारे में तो बता दें, अब मोस्ट स्टाइलिश ट्रक के बारे में बताता हूँ, ये है भाई टाटा का प्राइमा भाई, ये टाटा का सबसे स्टाइलिश ट्रक है और मोस्ट फीचर लोडेड, मतलब इसके अंदर आपको सारे फीचर मिलते हैं, प्लस इसके अंदर आपको एडास मिलता है, ये मिलता है भाई CMS कोलिजन मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है आपको इसके अंदर, जिससे गाड़ी के आगे जब कोई आ जाएगा या ड्राइवर का ध्यान नहीं है या भटक जाए जो भी हो जाएगा, इमरजेंसी ब्रेक लेने जो लेना है वो ट्रक अपने आप
ले लेगा भाई। और इसके फ्रंट लुक की बात करें तो भाई इसके अंदर आपको भाई प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती है, प्लस आपको इसके अंदर फॉग लैंप भी मिलते हैं जो ऊपर से ग्रिल लगा रखे हैं। ये भाई एक्सेसरी का पार्ट हो सकता है, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट नहीं है। फ्रंट बम्पर आपका मेटल का ही रहेगा, प्लस आपको ऊपर विंड स्क्रीन में इसका कैमरा भी दिखेगा जो आपका फ्रंट में सारी चीज़ें डिटेक्ट करेगा। मतलब जिसका एडास का और CMS का सिस्टम है ना, ये मतलब उसी चीज़ से रिलेटेड है सारा। एंड भाई साइड में आएंगे आपको यहाँ मिलेगा 5530, यानी 55,000 किलो का टोटल वेट ये ले जा सकता है, इंक्लूडिंग जो इसका ट्रेलर होगा, ट्रैक्टर ट्रेलर बोलते हैं इनको, तो इंक्लूडेड ट्रेलर। एंड 30 स्टैंड फॉर 300 BHP एंड S स्टैंड फॉर ट्रेलर। अब चलते हैं भाई ट्रक के अंदर। एंड जैसे ट्रक के अंदर जाएंगे, वाह भाई वाह, आपको इसमें कॉफी कलर का भाई इंटीरियर मिलेगा, ब्लैक और कॉफी कलर का भाई मिक्स इंटीरियर मिलेगा। यहाँ पे आपको ये देखो 1000 लैंप भी मिलेंगे। एंड अब चलते हैं भाई ट्रक के अंदर। वो बड़ा प्रीमियम ट्रक है भाई। और भाई जैसे आप ट्रक में आओगे तो भाई आपको फील ही नहीं होगी कि आप ट्रक में हैं। भाई क्रोम डोर हैंडल मिलेंगे आपको, पावर विंडो स्विचेस मिलेंगे, स्टीयरिंग आपको इतना बढ़िया मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी गाड़ी के अंदर बैठे हो। और इंटीरियर की बात करो तो वाह भाई वाह, कमाल है भाई, डुअल टोन इंटीरियर गजब का। एंड यहाँ पे आपको बीच में मिलेगी प्राइमरी की बैजिंग, म्यूजिक सिस्टम भी आपको मिलेगा इसके अंदर। सेम आपको लाइट मीडियम हैवी माइलेज के ऑप्शन मिलेंगे। एंड भाई ये आपके AC के कंट्रोल्स मिलेंगे नीचे इसमें। एंड यहाँ पे आपको दो चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं, USB 8 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है ये। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजों के स्विच दे रखे हैं। एंड यहाँ पे आपको ओपन ग्लव बॉक्स दे रखे हैं भाई। एंड ये रहा इसमें ड्राइवर ड्रॉजिनेस सिस्टम, एंड ये रहा आपका एडास का सिस्टम। अब टाटा ने भाई अपने ट्रक्स को ना इतना स्टाइलिश और फीचर लोडेड कर दिया कि कई बार तो मालिक खुद कहेगा ड्राइवर को, अरे भाई आज चाबी दे, आज मैं इसको गेड़ी पे लेके आता हूँ। क्यों भाई मन कर रहा है भाई, सच में अगर अभी चाबी मिल जाए ना तो अभी मैं इस ट्रक को लेकर निकल पड़ू भाई। सच में यार पूरा फीचर लोडेड, मतलब रिक्वायरमेंट के जितने फीचर्स होने चाहिए वो सारे फीचर्स आपको दे रहा है ट्रक, शब्द ही नहीं रहे भाई मेरे पास तो, कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि फ्यूचर में हमारे ट्रक्स इतने एडवांस हो जाएंगे भाई। ऑल द बेस्ट टाटा। भाई ट्रकों को तो मैंने दिखा दिया आपको, लेकिन ट्रकों के बारे में छोटी छोटी बातें आपको बतानी बाकी, वो मैं आपको वीडियो के अंदर अभी बताऊंगा। उससे पहले भाई अब देख लेते हैं बसेस को, चाहे प्राइवेट बसेस हो, चाहे स्कूल बसेस हो, चाहे भाई टूरिस्ट के लिए हो, जो सारे फीचर्स आपको ट्रक में मिल रहे हैं एडास का जितना कंप्लीट पैकेज है, हिल असिस्ट कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो गया, आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, आपका ड्राइवर डोजनेस, ये सारे फीचर्स भाई अब आपको टाटा की बसेस में भी मिलेंगे भाई, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं टाटा एस के पास। तो भाई अब मिलवाते हैं आपको टाटा एस से। भाई टाटा एस 2005 में इंडिया में लॉन्च हुआ था, और ये वर्ल्ड का इकलौता ऐसा स्मॉल कमर्शियल व्हीकल है जो भाई आपको चार इंजन ऑप्शंस में मिलता है। आपको CNG में मिलता है, आपको EV में मिलता है, आपको पेट्रोल में मिलता है, आपको डीजल में भी मिलता है। मतलब जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जिसका जैसा बिजनेस है ना भाई, वो अपना फ्यूल यूज कर सकता है। एंड भाई मस्त बढ़िया से अपना बिजनेस चलाए और बढ़िया पैसे कमाए। EV के अंदर भाई लोग कहते हैं कि भाई कामयाब नहीं, EV के अंदर भी काफ़ी काम है भाई। आप ये देख सकते हो ये कंप्लीट कंपनी से इसकी बॉडी इतना बढ़िया तरीके से भाई पैकेज बना के दे रखा है। और टाटा ने ना एक अपना नया फ्लीट एज करके ऐप लॉन्च किया अपने सारे BS6 व्हीकल्स के लिए, तो जिसमें आप अपने ना पूरे व्हीकल को, चाहे वो कोई सा व्हीकल हो, एस से लेके ट्रक से लेके बसेस से लेके कुछ भी है, तो आप उसके अंदर ना सारी चीज़ें नोट करते हैं, सारे उसके जितने भी डाटा आता है, ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाता है, गाड़ी क्या माइलेज दे रही है, क्या परफॉर्मेंस दे रही है, एवरीथिंग आप फ्लीट एज में देख सकते हो। एंड भाई आपने अलग अलग ट्रकों पर ना अलग अलग चीज़ देखी होगी, किसी पे 28-30 लिखा है, किसी पे 55-30 लिखा है, किसी पे K लिखा है, किसी पे S लिखा है, किसी पे T लिखा है। तो भाई K स्टैंड्स फॉर टिपर, तो जो इसके पीछे वो डंपर लगता है ना, जहाँ से वो सामान निकालने वाला है, उसको टिपर बोलते हैं। काफ़ी लोगों के कन्फ्यूजन होता है कि वो हाइवा होता है, हाइवा एक पार्ट है हाइड्रोलिक का, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो एक पार्ट है सिर्फ जो इसके अंदर लगता है, लेकिन हम इंडियंस है ना, वो कुछ भी बना देते हैं, तो हमने नाम ही रख दिया कि भाई हाइवा है, हाइवा नहीं है। K स्टैंड्स फॉर टिपर, 28,000 किलो टोटल वेट ये ले जा सकता है, और 30 के ये हो गया आपका 300 BHP। अब आ जाते हैं हम भाई टाटा की थोड़ी सी जो प्रीमियम सी रेंज कह सकते हैं हम इसको, टाटा इंट्रा, मतलब टाटा इंट्रा आपकी वो रेंज है जहाँ पे आपकी जो आती है ना महिंद्रा की पिकअप वगैरह होती है, थोड़ा सा मतलब आपको हल्का सा मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये टाटा एस से। और ऐसा मिलेगा आपको इसका इंटीरियर, इसके अंदर चलते हैं भाई। एक स्टेप आपको रखना है, आराम से आप इसके अंदर बैठ सकते हो, फुल कम्फर्टेबल सीट, आपको रोड का पूरा व्यू मिलता है भाई। तो ये भी बाइक बहुत अच्छा कमर्शियल व्हीकल है, बिल्कुल ही स्मॉल कमर्शियल व्हीकल है ना, उससे एक बड़ी रेंज में आपका आता है इंट्रा। और भाई इसको कौन नहीं जानता, टाटा का योद्धा, ये भाई असलियत में टाटा का योद्धा है भाई। तो ये आपको अब 4x4 के ऑप्शन के साथ भी मिलता है,
सिंगल कैबिन में भी मिलेगा आपको, ये डबल कैबिन में मिलेगा, मतलब दो कैबिन लेके अगर आपका मान लो ऐसा बिजनेस है कि आप पर्सनल यूज़ के लिए भी गाड़ी चाहते हो और अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए भी गाड़ी चाहते हो बिजनेस के लिए भी, तो आप टाटा का योद्धा देख सकते हो, आपके बिजनेस में ये पूरे योद्धा का काम करेगा। ये बॉडी को तो भाई कौन नहीं पहचानता। सबसे पहले भाई ट्रक ऐसे आने स्टार्ट हुए थे, थोड़े से आपको ये काउल मिलता है, इसको काउल बोलते हैं भाई, एंड देन उसके बाद आपको इसके पीछे अपनी पूरी बॉडी बंधवानी पड़ती है जो बॉडी बिल्डर वाले होते हैं उनसे, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 4225C, सी स्टैंड फॉर क्यूमिंस। जी हाँ, इसके अंदर लगा हुआ है क्यूमिंस का इंजन, एंड भाई क्यूमिंस जो है वो टाटा का सब्सिडियरी है, मतलब टाटा के साथ ज्वाइंट वेंचर में है, वो टाटा के लिए डीजल इंजन भी डेवलप करता है। तो टाटा के ट्रक्स में टाटा के इंजन और क्यूमिंस के इंजन दोनों के इंजन मिलते हैं। सेम वही बात है भाई, 42,000 किलो का एंड आपका 250 BHP, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा भाई। अब आपको प्रॉपर दिखाते हैं भाई टिपर, ये है टाटा का प्राइमा का टिपर, ये पूरा प्रीमियम टिपर है भाई, ठीक है। एंड सेम इसमें भाई ऐसे ही लिखा हुआ है 35,000 किलो का वजन लेके जाएगा, 300 BHP एंड के स्टैंड फॉर टिपर। अब आपको दिखाता हूँ जो हाईवा मैंने इसके अंदर बताया था आपको, ये वाला पार्ट होता है हाईवा का। तो हाईवा क्या होता है, ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम दे रखा है जिससे टिपर अनलोड करता है अपना, जिसके अंदर जो इसके अंदर मटेरियल लगा होता है, तो इसको ना लोगों ने ना नाम ही दे दिया हाईवा, तो हाईवा नहीं है भाई, इस चीज़ को बोला जाता है टिपर। एंड ये है भाई टाटा की स्टार बस मार्को पोलो, ये थोड़ी सी स्टाइलिश बस है भाई टाटा की, जिसके अंदर थोड़े से आपको प्रीमियम से फीचर्स, अंदर आप बैठोगे तो आपको थोड़ा सा प्रीमियमनेस का एहसास होगा। एंड सेम आपको भाई येलो कलर में स्कूल बस में भी मिलती है। एंड उसके बाद टाटा का भाई बहुत पुराना 712 709, ये भाई टाटा के बहुत पुराने ट्रक है, यहाँ अभी टाटा 407 नहीं खड़ा, नहीं तो भाई टाटा 407 होना एक भोकाल है भाई, भोकाल 712। एंड यहाँ पे लिखा मिलेगा FE स्टैंड फॉर फ्यूल एफिशिएंट है भाई ये, तो मतलब टाटा के इंजन अपडेटेड तो हुए ही हुए हैं BS6 फेज 2 में, साथ ही साथ भाई फ्यूल एफिशिएंट भी हुए हैं, एंड आपका जो कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप है, जो मेंटेनेंस का खर्चा है, वो भी अब आपका बहुत कम हो जाएगा। तो भाई ये थी ऑल न्यू रेंज ऑफ टाटा कमर्शियल व्हीकल्स भाई, टाटा एस से लेके टाटा इंट्रा से लेके टाटा योद्धा, टाटा प्राइमा, टाटा सिग्ना, सारे ट्रक्स भाई मैंने आपको दिखा दिए, सारे कमर्शियल व्हीकल्स, बसेस भी आपने देख ली, एंड ये सारे व्हीकल्स भाई BS6.2 कंप्लायंट है भाई, जो BS6 का फेज 2 है सारे कंप्लायंट है। तो भाई ऑल द बेस्ट टू टाटा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट, गुड बाय।